अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैं गाड़ी के अंदर रेडिएटर फ्लश करने लगा हूँ। ये रेडिएटर फ्लश फ्लेमिंगो ब्रांड का है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा रेडिएटर साफ़ हो जाए, बाद में मैं कूलेंट डालूँगा। रेडिएटर का थोड़ा सा पानी निकालने के लिए इसका पाइप खोलना है ताकि रेडिएटर फ्लश हम डाल दें और पानी ओवरफ्लो ना हो। जो रेडिएटर का ऊपर वाला पाइप है इसको मैं खोल रहा हूँ ताकि काम आसानी से हो जाए। थोड़ा सा रेडिएटर का पानी निकालने के बाद पाइप को वापस लगा देना। ये रेडिएटर फ्लश मुझे ऑलमोस्ट 400 या 500 का मिला था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक दफ़ा अच्छा रेडिएटर फ्लश यूज़ करना चाहिए। इसका मैं रिव्यू आपको बाद में दे दूंगा, इसने काम कैसा किया था, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये अच्छा काम करेगा। लास्ट ईयर मैंने लिक्वी मोली का रेडिएटर फ्लश यूज़ किया था, उसका मुझे ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला था। इस दफ़ा इसको यूज़ करके देखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो रेडिएटर के अंदर मैं पानी डालूं वो सादा पानी ना हो। ये मैं एसी का पानी डाल रहा हूं। जो हम टूटी का पानी यूज़ करते हैं उसमें ये चांस होता है कि रेडिएटर में जंग लग सकता है, तो इसलिए एसी का पानी बेहतर है यूज़ करना। अब मैं गाड़ी को तकरीबन 100 किलोमीटर चलाऊँगा ताकि रेडिएटर फ्लश काम कर सके। इसके बाद मैं दोबारा फ्लश करूँगा ताकि मैं कूलेंट डाल सकूँ। उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।